हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और अपने चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि आप फेसबुक पे अपने मोबाइल नंबर और फ्रेंड लिस्ट कैसे हाइड कर सकते हैं और कौन कौन सी प्राइवेसी लगाकर अपनी जानकारी को छुपा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपना फेसबुक लॉगिन करके ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आपको ये ऑप्शन पर क्लिक करना है जो मैंने ये दिखा रहा हूँ तीर से। इस ऑप्शन पर जाने के बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, उस पर आपको क्लिक करना है जो ये ऑप्शन है। और फिर यहाँ पर आपको प्राइवेसी शॉर्टकट नहीं खोलना है। वीडियो को बीच में काटे मत, पूरा देखें तभी आपके समझ में आएगा कि सेटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ आपको सेटिंग ऑप्शन ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन किया, सेटिंग ओपन करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको प्राइवेसी में एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी सेकेंड का। तो प्राइवेसी सेटिंग का आप ऑप्शन ओपन कर लेंगे, फिर आप ऊपर आपको मिलेगा ये चेक ये फ्यू इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, इसको आप ओपन कर लेंगे। इसी में आपको कई सारे ऑप्शन प्राइवेसी लगाने के मिल जाएंगे। तो हमने ओपन किया है तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा हु कैन सी व्हाट योर शेयर, ठीक। तो इसको आप ओपन करेंगे, इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें से आप एक ऑप्शन को पहले हम पहला ऑप्शन ओपन कर ले रहे हैं तो इसमें कुछ प्राइवेसी हम लगा सकते हैं, जैसे अपने प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को इसमें सेट कर सकते हैं, पोस्ट एंड स्टोरी को एंड किसी को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं इससे। तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करके ओपन कर दे रहे हैं। तो यहाँ ऊपर आपका मोबाइल नंबर लिखा है, उसके सामने लिखा है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पब्लिक फ्रेंड या ओनली मी या क्लोज फ्रेंड कोई एक ऑप्शन लगा कर, तो हम यहाँ ओनली मी लगा कर ओनली मी पर क्लिक करेंगे जिससे हमारा वहाँ ओनली मी लग गया। तो अब हमारा नंबर कोई नहीं देख पाएगा, हमारी आईडी ओपन करने के बाद भी कोई हमारा नंबर नहीं देख पाएगा। ऐसे ही आप ईमेल में भी सेटिंग कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ, ईयर या फिर मंथ और डे को सेट कर सकते हैं, होम टाउन को सेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप है उसको भी आप सेट कर सकते हैं कि कौन कौन देखे कौन ना देखे। एंड आप यहाँ पर एड्रेस भी आप सेट कर सकते हैं कि एड्रेस हमारा कौन कौन देख पाए कौन कौन ना देख पाए। फिर आपकी करंट सिटी क्या है इसको भी आप सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप अगर जो कहीं वर्क करते हैं वो भी आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर रखा है तो वो भी आप चाहते हैं कि कौन कौन हमारा देख पाए तो वो भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको नीचे एजुकेशन, आपने एजुकेशन है तो उसको भी ऐड कर दिया होगा तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आपको मिलेगा एक ऑप्शन फ्रेंड एंड फॉलोइंग, तो ये आपको है कि आपका फ्रेंड लिस्ट कौन कौन देख सकता है इसको भी आपको सेट करना है। तो जिस उसके सामने आपका हो सकता है पब्लिक लिखा हो सकता है फ्रेंड लिखा हो, तो यहाँ पर आपको ओनली मी लगाना है जिससे कि आपकी फ्रेंड लिस्ट कोई नहीं देख पाएगा। तो ओपन करते ही आपको यहाँ चार पांच फीचर मिलेंगे, जैसे कि पहला फीचर पब्लिक, दूसरा फीचर फ्रेंड्स, तीसरा फीचर फ्रेंड्स एक्सपर्ट एंड तीसरा स्पेसिफिक फ्रेंड्स एंड ओनली मी या क्लोज फ्रेंड। पब्लिक लगाएंगे तो सभी लोग आपका फ्रेंड लिस्ट देख पाएंगे, फ्रेंड लगाएंगे तो केवल आपके फ्रेंड लोग ही देख पाएंगे, और एक्सपर्ट फ्रेंड मतलब आपके कुछ फ्रेंड ये लिस्ट नहीं देख पाएंगे, और स्पेसिफिक फ्रेंड की केवल यही फ्रेंड आपको देख पाएंगे, और ओनली मी आपके कोई नहीं देख पाएगा, और क्लोज फ्रेंड केवल कुछ फ्रेंड ही आपके लिस्ट देख पाएंगे। तो ये इसमें से आपको ओनली मी लगा लेना है जिससे आपकी फ्रेंड लिस्ट कोई नहीं देख पाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो आप पोस्ट कर रहे हैं अपने फेसबुक पर वो कौन कौन देख पाए तो वो आप पब्लिक चाहे लगाएं चाहे फ्रेंड लगा लें। और फिर आप इसके बाद आपकी स्टोरी जो आप स्टेटस लगाते हैं फेसबुक पर वो हमारा कौन कौन देख ले ये भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बटन, फिर यहाँ से आप किसी को ब्लॉक भी कर सकते हैं। ब्लॉक करने के लिए आपको ऐड टू पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर उसका प्रोफाइल नेम या फिर उसकी आईडी सर्च करके और उसको ऐड करके ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमने किसी को नहीं किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रिव्यू एंड अदर टॉपिक पर क्लिक करके पहले आप जाएंगे, फिर आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें हाउ टू कीप योर अकाउंट श्योर, अपना अकाउंट को कैसे आप सुरक्षित कर सकते हैं। तो उसमें आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपना लॉग इन अलार्म भी सेट कर सकते हैं। तो ऊपर आप अपना पासवर्ड चेंज करें, फिर पासवर्ड चेंज करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करें तो यहाँ पर आप ऑप्शन को ऑन कर लें जिससे कि आपको लॉगिन होने पर अलर्ट मिल जाए कि आपका अकाउंट लॉगिन हुआ है। ये सब ऑन करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको रिव्यू एंड अदर टॉपिक्स पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मिलेगा, तो तीसरा ऑप्शन है हु पीपल कैन फाइंड योर ऑन फेसबुक, मतलब आपको फेसबुक पर कौन कौन सर्च कर सकता है या कौन कौन फ्रेंड
रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो इसके लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप देखिए लिखा होगा हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, मतलब आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन कौन भेज सकता है। तो आप चाहे एवरीवन लगा दीजिए, चाहे फ्रेंड टू फ्रेंड लगा दीजिए। एवरीवन मतलब आपका कोई भी भेज सकता है, और फ्रेंड टू फ्रेंड आपके मित्र के मित्र ही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और दूसरा कोई नहीं भेज सकता है। तो जैसे आपकी इच्छा वो आप यहाँ से सेट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ जैसे आपने पहले सेटिंग कर ली है मोबाइल और ईमेल की, तो कोई ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फेसबुक के अलावा कहीं और भी आपको लोग सर्च कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन बंद करना पड़ेगा। और चाहते हैं नहीं करें तो इस ऑप्शन को आपको ऑन करना पड़ेगा। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, फिर रिव्यू अनदर टॉपिक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको तीसरे ऑप्शन पे आना है, योर डाटा सेटिंग ऑन फेसबुक, इसको ओपन करना है। तो यहाँ इस ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट कौन कौन सी वेबसाइट से लिंक है और आपकी लोकेशन ऐप में अलाउ है कि नहीं। तो हमने यहाँ पहला ऑप्शन देखा है, तो हमारा एक गेम है उसमें हमारा अकाउंट लिंक है, और तो हम चाहें तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, और चाहें तो हम इसको रहने भी दें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप इसको देख लेंगे, फेस रिकॉग्नाइजेशन है, ये जो वीडियो और फोटो उसके लिए होता है, तो इसको आप नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर एक लोकेशन मिलेगा कि आपका जो ऐप है उसमें लोकेशन ऑन है या नहीं, तो ये ऑन ऑफ जो आपकी इच्छा हो करके रिव्यू अनदर पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके पास आएगा योर एड्स परफॉर्मेंस ऑन फेसबुक, आपकी जो एड्स है वो परफॉर्मेंस फेसबुक क्या कैसे कर रही है, तो इसके लिए आप यहाँ से कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं वो आप पढ़ के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और फिर आप कौन कौन से देखना चाहते हैं, जैसे एम्प्लॉय, जॉब टाइटल, एजुकेशन या रिलेशनशिप स्टेटस, कोई भी एक, तो ये सब पढ़ने के बाद आपको जो अच्छा लगे वो ऑन करके या नहीं तो बंद करके आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको, जैसे कि आपने किसी पेज को लाइक किया है तो दूसरों को दिखाए कि ये पेज इन्होंने लाइक किया है कि नहीं, तो ये भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सब सेटिंग करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है और रिव्यू अनदर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद एक बार और आप बैक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ फिर वापस आ जाना है। फिर आपको नीचे जाकर चेक करना है कि हमारी फ्रेंड लिस्ट जो है वो चेंज हुई कि कोई देख पाए या नहीं, तो इसके लिए नीचे आएंगे आपको, तो एक ऑप्शन मिलेगा ये हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, इस ऑप्शन को आपको ओपन करना है। तो आप ये पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से, तो इस ऑप्शन को ओपन करते ही आपको ये मिल जाएगा कि आप कर चुके हैं नहीं, तो हम देखें हमारा हो चुका है, तो यहाँ पर लिखा है ओनली, मतलब हम केवल फ्रेंड लिस्ट हम ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। हाँ, इसमें जो उनके मैनुअल फ्रेंड होंगे वो केवल वो देख सकते हैं कि हाँ इनके भी फ्रेंड हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप अपने फेसबुक अकाउंट में फ्रेंड लिस्ट और मोबाइल नंबर को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर दें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।